अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करते हैं एम्पथी पर। एम्पथी यानी किसी की फीलिंग्स को समझना और उसका एहसास करना। एक होता है ना सिंपथी, मैं आपसे सिंपथाइज करता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन समझने में वो बात नहीं है, आप महसूस नहीं कर रहे उस चीज़ को। और एम्पथी में आप महसूस कर रहे हैं, आप उसको ये कह रहे हैं कि जिससे तू गुजर रहा है, जिससे तुम गुजर रहे हो, जिससे आप गुजर रहे हैं, मैं उसको समझता भी हूँ, महसूस भी करता हूँ। एहसास के लेवल पर जब आप चले जाए ना, वो एम्पथी होता है। होता क्या है, हमारे यहाँ बिजनेस वर्ल्ड को उठा ले मिसाल के तौर पे, एक आदमी की परफॉर्मेंस ज़रा डाउन चल रही है। आप उसके ऑफिस में गए, आपने कहा कि सुने साहब, चौथा महीना है, आपकी सेल्स सही नहीं चल रही है, एक महीने में और इम्प्रूवमेंट नहीं आई ना बच्चू, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप हमारे लिए काम कर रहे होंगे कि नहीं। ये एक सिनारी हो गया, इसमें एम्पथी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो है। अब आप सोचें, ये आदमी अगले दिन जब काम करने आएगा तो उसका मेंटल लेवल क्या होगा, उसकी इंथ्यूजियाज्म को तो आपने बिल्कुल गाड़ी के नीचे दे दिया ना, बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी इंथ्यूजियाज्म, उसकी मोटिवेशन लेवल क्रश होगी। यही काम स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। हाँ भाई, चौथा हफ्ता चल रहा है, आपका असाइनमेंट नहीं आया अभी तक, क्या कर रहे हो यार, जिंदगी में फेल होना है क्या? इस तरह की बात बहुत सारे हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह का रवैया सुना है अपने बड़ों से, तो इन्होंने आगे वही दिया। अब आपको मैं एम्पथी समझाता हूँ। एम्पथी क्या है इन दोनों सिनारियोज में। उस शख्स के ऑफिस में गए, पहला सिनारियो लेते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय चल रहा है सेल्स के लिहाज से। आपने उससे कहा कि भाई काफ़ी महीने हो गए हैं, तुम्हारी सेल्स जो है वो सही नहीं चल रही, डाउन चल रही है यार, तुम बड़े मेहनती आदमी हो, सब खैर तो है, क्या हुआ? अब वो आदमी जो है ना, एक अलग लेवल पर आपसे कनेक्ट हो रहा है। यही स्कूल में भी अगर आप करें ना, यही कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, यार बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो, क्लास में भी अटेंशन पे करते हो, आपका काम नहीं आया, क्या हो गया है, सब ठीक है घर में? आपको नहीं पता ना घर में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता उसके हो सकता है माँ बाप बीमार हो, अगर वो बंदा हो सकता है उसकी बीवी बीमार हो, उसका बच्चा बीमार हो सकता है घर में कोई माशी मसला हो, या कोई ख़ानदान में प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंसान है ना, ह्यूमंस हैं हम, एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं करते एक दूसरे को, इंसान नहीं समझते एक दूसरे को, इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते एक दूसरे को। इसलिए एहसास बहुत ज़रूरी है, अपनी जिंदगियों में एहसास को पैदा करो, एहसास, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी गुफ्तगू में आपने कुछ ऐसी चीज़ें अक्स की होंगी जिनको आप अमली जामा पहना सकेंगे।